द्वितीय वचन उसका 31 अध्याय और उसकी 12 आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, वह अपने जीवन के सारे दिनों में भला ही व्यवहार करती है। सो जब हम नीति वचन 31 में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक अच्छी एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया गया है, कैसे बुद्धिमान स्त्री का चाल चलन होना चाहिए, कैसे उसका उठना बैठना होना चाहिए, कैसे वो अपने घर को संभालती है, कैसे वो निर्णय लेती है, डिसीजंस लेती है। और सच में प्रभु का वचन हमें बुद्धि देता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, वो कहती है, वचन में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। कुछ दिनों पहले जब मैं नीति वचन 31 पढ़ रही थी, एकदम से जब मैंने इस आयत को पढ़ा, यहाँ पर आकर मैं रुक गई और इस आयत को मैं बार बार पढ़ना शुरू हुई। और यहाँ पर लिखा है बड़ी खूबसूरत, और इस वचन ने मुझसे बात करी, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक औरत के बारे में बात की जा रही है। और सच में जब हम एक औरत को देखते हैं, एक औरत का रोल समाज में, अपने परिवार में बहुत ही जरूरी है। तभी परमेश्वर ने बनाया। अगर औरत जरूरी नहीं होती, क्या परमेश्वर उसको बनाते? परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और फिर उसकी पसली में से एक हड्डी ली और वहां से उन्होंने औरत को फैशन किया। बाइबल में लिखा है गॉड फैशन्ड ईव। परमेश्वर ने औरत को बनाया, और औरत को जब बनाया, औरत को परमेश्वर आदम के पास लेकर आए, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर देख रहे थे आदम के लिए कौन सा सूटेबल मैच है। क्या हाथी को देखा होगा, क्या इससे मैच? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर और जानवरों को देखा होगा, कोई मैचिंग नहीं थी। परमेश्वर ने कहा मुझे आदम के लिए इसका एक साथी बनाना होगा। और अगर परमेश्वर ने इसके बारे में सोचा, तो यानी कि वो हमारे बारे में सोचते हैं। आमीन। कई बार हम सोचते होंगे कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, दिमाग में सोचे इधर उधर जाती हैं। और कई बार अक्सर देखा जाता है जब घर में कोई बीमार हो जाता है और जो औरत होती है घर की, वो उस बीमार व्यक्ति को सारी उसकी केयर करती है, उसको खाना टाइम में देती है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पति हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, और कई जिम्मेवारियों के साथ रात दिन बिना सोए वो अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करती है। लेकिन कई बार मैं कई बहनों से ये शिकायत सुनती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई पानी का गिलास पिला के राजी नहीं होता है, हमें सर पे पट्टा बांध के, कमर में चुन्नी बांध के, अपने आप पैरासिटामोल खा के और फिर काम में लगना पड़ता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो इनका क्या होगा। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, कई बार हमारे अंदर सोच आती है कि क्या मेरे पति को मेरा ख्याल नहीं है। अभी कल ही एक बहन मुझसे बात कर रही थी और वो कह रही है, दीदी मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द था क्योंकि दिन भर काम करना है, खड़े होकर कई जिम्मेवारियों को देखना है, घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, आए गए को देखना है, चेक करना है, कहीं फुफ्फी नाराज ना हो जाए, कहीं मामा ससुर नाराज ना हो जाए, कहीं मम्मी सास नाराज ना हो जाए, इन सब के बीच में। तो वो कहती है, दीदी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, लेकिन रात को मैं बहुत लेट सोई, मुझे सोते नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं उठी, फिर मैंने थोड़ा सा अपने पैरों को मालिश करी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर 3 बज गए और फिर ऐसे करते करते टाइम निकल गया, लेकिन मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तू कैसी है, तुझे क्या समस्या है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू ठीक है, तूने खाना खाया, तूने पानी पिया, तुझे किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। तो उसने जब मुझे ये कहा, मैं कई चीज़ों को सोचने लगी। मैंने कहा एक नहीं, कई बहनें ऐसा सोचती होंगी कि उन्होंने मुझे पूछा नहीं, इनको मेरा ध्यान नहीं है, इनको मेरा ख्याल नहीं है। और ऐसे मौके आएंगे जब ऐसा होगा, लेकिन और सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में आता है, कई बार बहुत बिजीनेस है, कई चीजें हैं, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, लेकिन ये मौका होता है जब शैतान भी काम करता है और वो आकर कहेगा तेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, देख तुझे सारा काम करना पड़ता है, देख तुझे सारी जिम्मेवारियां देखनी पड़ती हैं। लेकिन याद रखना, शैतान हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक मददगार करके। हालेलुया।
और अगर हम मददगार हैं, हमारी कोई भी पोजीशन छोटी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मददगार है, वो हेल्पर है, वो हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। आमीन। तो मैं जब ये चीजें सोच रही थी, तब मुझे याद आया, कई बार हम ऐसी सवालों से निकलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर को आपका ख्याल है। और जब आप इस दौर से गुजरती हो जहाँ पे आपको कोई समझ नहीं रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आप अकेली हो, कॉर्नर में बैठी हो, कई बार रोने को दिल करता है, कई बार दिल करता है अपनी अपने दिल की बातें किसके साथ मैं बांटूं, कई बार दिल बहुत भारी हो जाता है, कई बार बेचैनी आती है, कई बार मूड ऊपर नीचे होते हैं, कई बार कई चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। वो समय होता है जब हमें एक चीज समझनी है, कुछ भी चाहे हो जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और इस टाइम में परमेश्वर ने जो हमें शांति दी होती है, वो शांति काम आती है। हालेलुया। हम शांति बनाने वाले हैं। कहें, मैं शांति बनाने वाली हूं, मैं अशांति लाने वाली नहीं हूं। कहें फिर से, मैं शांति स्थापित करने वाली हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वह जो शांति स्थापित करते हैं, वो परमेश्वर के क्या कहलाते हैं? बच्चे कहलाते हैं। आमीन। हम शांति बनाने वाले हैं, हम शांति बनाने वाली बेटियां हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा कराने वाली, ना कि लोगों के बीच में गड़बड़ी पैदा करने वाली, ना कि परिवारों में उथल पुथल करने वाली। और कई बार ये चीजें चैलेंज बन जाती हैं, कई बार ये चीजें हमारे लिए पहाड़ बन जाती है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति होता है, वो कई बार हो सकता है उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, हमें वो समझा ना हो, कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपका पति हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, देवरानी, जेठानी, ननान, जितने रिश्ते आप ले लो, रिश्ते तो खत्म नहीं होते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो बहुत मुश्किल हो हैंडल करना, जो बार बार परेशान करते हैं। आपने एक बार माफ कर दिया, तीसरे दिन किसी और से पता चलता है वो तेरे बारे में ये कह रही थी, अब वो फिर से अंदर, फिर वो ज्वालामुखी निकलने लगता है, वो सारी बातें जो 5 साल पहले कही थी, 8 साल पहले कही थी, जो महसूस हुआ था, अब वो सारी बातें दिमाग में पीछे स्क्रीन में चल रही होती हैं। हम कर अपने काम रहे होते हैं, लेकिन दिमाग चल रहा होता है, ओ उसने मेरे बारे में, मैंने तो प्रभु उसे अभी परसों ही माफ कर दिया है। लेकिन फिर से शैतान ने क्या किया, किसी को भेज दिया ताकि आपकी शांति को वो क्या करे, भंग कर दे, खत्म कर दे। लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, आपकी शांति ऐसे खत्म नहीं होती है, क्योंकि शांति का राजकुमार आपके अंदर है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार आपको शांति देता है। आमीन। लेकिन बेशक हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन दिमाग हो सकता है शारीरिक तौर पे हम यहाँ हो, लेकिन दिमाग हमारा घूम रहा है, अरे घर जाकर हमने फिर से बच्चों को खाना देना है, पति भी आ जाएगा टाइम से। इन सब चीज़ों के बीच में दिमाग में ऐसे लगता है जैसे पूरी जाल बुन गया है। देखा ना अपनी जाल बुन गया है। सोच इधर जा रही है, उधर जा रही है, बाइबल पढ़ रहे हैं, मन भटक रहा है, क्योंकि अभी तो बैठे हैं बाइबल पढ़ने, वहां से एक आवाज आ गई, रोटी दे दो। अभी बैठे हैं प्रार्थना करने बैठे ही थे काम खत्म करके, बच्चे आ गए स्कूल से। तो कई बार माएं कहती हैं, अच्छा तुम तो अभी गए थे, तुम आ भी गए, अभी तो मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ है। मेरी मम्मी, जब हम छोटे थे हमने स्कूल जाना, और अभी जब हमने आ जाना, मम्मी ने कहना, अभी तो मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा था मैं काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, थोड़ा सुकून के साथ चाय के सिप ले लूंगी, थोड़ा आराम से पैर ऊपर करके सोफे पर या बेड पे बैठ के थोड़ी देर आराम से रहूंगी। लेकिन तुम तो फिर से आ गए, और फिर से हमें अपने आ जाना पड़ता है पैरों पे, और अपनी जिम्मेवारियों को हम फिर से करना शुरू कर देते, और ये एवरीडे रूटीन है कि नहीं है? लेकिन इस एवरीडे रूटीन में भी हम सीखते हैं कि अपने आप को प्रभु के साथ आगे बढ़ाते रहना। हालेलुया। प्रभु की बातों में बढ़ते रहना, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना।
अब ये मतलब नहीं है धन्यवाद करना है। कई बार मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम 24 घंटे प्रार्थना करते रहे, हम 24 घंटे वचन पढ़ते रहे, अगर हम वही काम कर दें तो घर की जिम्मेवारियाँ, बच्चों की जिम्मेवारियाँ कैसे पूरी होंगी। कई बार मैं कई लेडीज से मिलती हूँ, वो कहती हैं, और उनके पति शिकायत करते हैं, शिकायत ये करते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम प्रार्थना में बिताती है। वो ये नहीं कह रहे कि ये प्रार्थना करना बुरा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इतना टाइम बिताती है प्रार्थना में कि इसके लिए मेरे लिए टाइम नहीं होता है। पति को भी टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? पति के साथ भी बातें होती है। अब कई कुंवारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो सोच रही हूँ कि अभी तो हम शादी नहीं हुई है, लेकिन एक दिन तो होगी एक दिन तो शादी होगी। पति को टाइम चाहिए उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए, दुख सुख फोलने के लिए, समझने के लिए। तो पति कहता ना इसके लिए मेरे पास टाइम है, ना ये अपनी जिम्मेवारियां निभाती है। सो हम ऐसे ना बने, हम एक बैलेंस की जिंदगी प्रभु में जिए। जो टाइम प्रभु का है हम प्रभु को दें, जो टाइम हमारे घर के लिए है हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, ताकि हमें कोई ये ना कहे ये मूर्ख औरत है, लेकिन लोग जब देखें कहें ये बुद्धिमान औरत है। हालेलुया, ये बुद्धिमान है, ये अपने डिसीजंस को बड़ी समझदारी के साथ लेती है, ये परमेश्वर का डर मानती है। आज दुनिया में बहुत उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है कई जो बहनें हो वो अपनी माओं से सीखें, अपनी दादियों से सीख रही हो, अपने इर्द गिर्द की फ्रेंड से सीख रही हो, अपने रिश्तेदारों से सीख रही हो, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन में से सीखना है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, और ये हमारी जिम्मेवारी है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरन भलाई व्यवहार करती। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा, इस वचन ने मेरे साथ बात करी, और यहाँ पर सिर्फ अगर देखा जाए, अगर एक शादीशुदा औरत को देखें तो पति के बारे में हम देख सकते हैं कि वो उससे बुरा नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी के समय में उससे अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनमैरिड भी हैं, मैरिड लोग भी हैं, सो यहाँ पर सिर्फ पति नहीं, लेकिन हम देखें कि जो हमारे फैमिली है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारी कलीसिया के लोग हैं, हमारी रिश्तेदारी में हैं, जितने भी आगे लोगों को हम देखते हैं, बहनें होंगी, भाई होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, वो कहता है वचन वह अपने जीवन के सारे दिनों में किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करती। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करती, कहें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करती, फिर कहें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करती। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि कई बार हमारे इमोशंस, हमारे अंदर कई चीजें चल रही होती हैं, दिमाग भाग रहा होता है, बस इन्होंने मुझे एक बार कुछ बोल दिया ना, मैंने 10 बातें कह के सुनानी है। पति अभी कुछ बोल दे मुझे, मैंने पूरे दिन की कहानी सुनानी है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, प्रभु ने हमें फ्री विल दी हुई है, लेकिन उसका नुकसान ही होता है या उसका फायदा होता है, उसका नुकसान ही होता है अगर हमारी भावनाएं, जिनको कहते हैं इमोशंस, आउट ऑफ कंट्रोल है, उनमें कोई बैलेंस नहीं है, तो वो भी गड़बड़ है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें हमारी भावनाओं में बैलेंस करना सिखाता है। सो प्रभु का वचन कहता है एक औरत जो भली है, जो परमेश्वर का डर मानती है, वो अपने दिनों में, जिंदगी के सारे दिनों में अच्छा व्यवहार करती है, बुरा व्यवहार नहीं करती है। बाइबल में एक औरत के बारे में जिक्र है, उसके बारे में हम देखेंगे, पहला शैमुएल, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 25 और उसकी 3। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात है, एक का नाम था, जो पति है उसका नाम था नाबाल। क्या नाम था? नाबाल। और उसकी पत्नी का नाम है अबीगैल। क्या नाम है? अबीगैल। अब जब हम नाबाल को देखते हैं, नाबाल के नाम का जो मीनिंग है वो है मूर्ख, फुलिश। लेकिन जो अबीगैल है उसके नाम का मतलब है पिता को प्रसन्न करने वाली। आमेन। नाबाल के नाम का मतलब क्या है? मूर्ख है। लेकिन जो अबीगैल है उसके नाम का मतलब क्या है? पिता को खुश करने वाली, फादर्स जॉय, पिता की मनपसंद। और यही प्रभु ने हमें होने के लिए चुना है। अब इसका मतलब ये नहीं
ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब परफेक्ट हैं। छोटी मोटी कमियां, इधर उधर कमियां कई बार हम मिस कर जाते हैं ना, और शैतान भी उस मौके का फायदा उठाता है और कहता है देखा तूने मिस कर दिया ना, तू फिर बोल पड़ी तूने अपना गुस्सा फिर दिखा दिया। और जरूरी नहीं कि हम बोलें, एक होती है मन की आवाज। मन की आवाज सुनी कभी आपने? मन की आवाज भी होती है, किसी ने कुछ कह दिया, हम किचन में गए और अब अंदर मन की आवाज चल रही है ना, और हम अंदर सोच रहे हैं मुझे ऐसा क्यों कहा, और हमारा दिमाग बना हम रोटियां रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा चारों तरफ घूम रहा है मन की आवाज। लेकिन खतरा ये है और खुशखबरी ये है, प्रभु इस मन की आवाज को सुन लेते हैं। प्रभु कहते हैं क्या कहा क्या कर रही हो बेटी? जैसे जब एलाइजा एलिया भाग रहा था डर के मारे, क्योंकि सारे नबियों को मार दिया तो उसको भी मारने के लिए अहाब और जो उसकी पत्नी जेजेबल थी पीछे पड़ गई, ये भाग रहा ये छुप गया, परमेश्वर की आवाज़ आती है और वो पूछते हैं यह स्केल है ना हिंदी में, इज ए किल, तू यहाँ क्या कर रहा है। और वो कहता है प्रभु मैंने ये किया, मेरे पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, मैंने ऐसा किया और मैं तो प्रभु आपके ही नाम को महिमा दे रहा था। तो प्रभु कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरी तरह और भी 400 हैं। कहने का क्या मतलब है, कई बार हम सोचते हैं हम ही ऐसे, अरे नहीं, कई लोग हैं जो ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास प्रभु नहीं हो लेकिन आपके पास तो प्रभु है। आमीन। जब आप मन में जूझ रहे होते हो ना, वो टाइम होता है प्रभु के वायदों को याद करने का। हम कलीसिया में बैठे याद कर सकते हैं, आसान है याद करना ना, हम आराधना के टाइम धन्यवाद दे सकते हैं, हम जब प्रभु की अच्छे हाई गीत चल रहे हैं, प्रेजेस चल रही हैं, हम उनको महिमा दे सकते हैं, हम उनकी बड़ाई कर सकते हैं। लेकिन सच्ची महिमा तब होती है जब हमें कोई नहीं देख रहा, जब हमारे अंदर तूफान चल रहा है और हम किचन में हैं या किसी कॉर्नर में हैं या छत के कॉर्नर में चले गए हैं और वहाँ हमारे अंदर तूफान चल रहा है, मन में सोच उठती है, प्रभु कहते हैं मैं, और बेड पर लेटे लेटे भी तूफान चल रहा है, करवट यहाँ बदल रहे हैं, कभी करवट वहाँ बदल रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे होगा, ये होगा वो होगा, इन्होंने ऐसे क्यों कह दिया, हजार चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन उस टाइम में प्रभु हमसे पूछते हैं तू क्या कर रही है। उस समय में हमारा जो फोकस है, हमें जो अपना मन लगाना है वो प्रभु की बातों में मन लगाना है। हमने अपनी सोच को ना कहना है मैं अपनी सोच को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूं और मैं वही सोचूंगी जो प्रभु सोचते हैं, मैं वही सोचूंगी जो प्रभु कहते हैं। आपके अंदर आपके शरीर का एक एक हिस्सा चिल्ला रहा होगा, गुस्सा निकाल दे, बोल दे, जवाब दे दे, अपनी मनमर्जी कर ले, बैग पैक करके पैकेज चली जा, तेरी यहां कोई नहीं सुनता, तुझे अंदर चूल्हे में झोंका हुआ है, तुझे रोटियां ही बनानी है, सारे टब्बर की रोटियां सुबह इतने खाते उतने खाते कितने सारे खाते हैं। एक बार किसी ने ऐसी जोक सुनाया, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके घर में कोई आया, तो अब जब गेस्ट आ गया तो वो अंदर आ गया, अब रात को आ गया, कई बार लोग रात को आ जाते हैं ना, लेट नाइट आते हैं, उनके लिए भी खाना बनाना। अब वो बहन बोलती है, कहती है अच्छा भूखे आए होंगे, तो कहता हाँ जी, तो कहते किन्नी की रोटी लावा तो कहती है तो गेस्ट कहता है, वो भी बेचारा शर्मो शर्मी होके कह देता है चलो चार ला दो, तो अंदर से आवाज आती है हाई चार तो अब उसको शर्म आ जाती गेस्ट को, तो गेस्ट कहता है अच्छा ठीक है तीन ही ला दो, तो अंदर से आवाज आती है हाय मैं मर जावा तीन, तो फिर गेस्ट को शर्म आती है, फिर वो कहता है अच्छा ऐसा करो दो ही ला दो, हाय हाय दो, तो गेस्ट कहता है मैंने सोचा पता नहीं कितनी की बड़ी रोटी होगी,
कई बार यहाँ हमारी तो छोटी छोटी रोटी होती ना, 8 इंच यहाँ से नाप कर वहाँ से नाप कर, इतनी ही होनी चाहिए फुल्का। जब हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूसरे देशों के हैं, उनकी रोटी इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हम हमारे जैसे मेरे जैसे 4 लोग खा लेंगे। और वो कहता है हाय 2 रोटी, तो वो कहता है मुझे लगा आप दली कितने की बड़ी रोटी होगी। मैंने कह दिया चलो 1 ही ला दो। अंदर से आवाज़ आती है बहन की, हूँ 1 दे पीछे की सियापा करना, कल से मेरे इकट्ठे खा लाएंगे। तो कई बार हमें लगता है ये रोटियों की थदियाँ बनानी है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। इन चीज़ों में भी हम आनंद के साथ कर सकते हैं। आमीन। ये हमारे लिए पहाड़ तब बनती है जब हम इनको पहाड़ बनाते हैं। ये पहाड़ परमेश्वर बेशक हमारे लिए पहाड़ होगा लेकिन प्रभु के लिए नहीं। इन चीज़ों में भी हम आनंद में जी सकते हैं। आमीन। प्रभु के एक दास है, उनका नाम था जॉन वेस्ली, और उनके भाई भी थे, वो उनके भाई सेवकाई में थे, उनकी और भी बहनें थी, भाई थे, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 9 के 10 बच्चे थे ये। और इनकी माँ अकेले इनको देखती थी। माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जब अकेले देखना। वो बाद में अपनी कहानियों में लिखते हैं, अपनी बुक्स में लिखते हैं, मेरी माँ ने इतने सारे बच्चों को देखना, और मेरी माँ मेक श्योर करती थी कि मैं हर बच्चे के साथ टाइम बिताऊँ। अब उन्होंने अपना टाइम कैसे सेट किया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेक श्योर करती थी कि मैं कुछ कुछ दिनों में हर एक बच्चे के साथ टाइम बिताऊं। अभी रोटी बनानी है, कपड़े धोने हैं, स्कूल भेजना है, सब कुछ देखना है, राशन लेके आना है, बाहर के काम करने हैं, और वो रोज 1 घंटा प्रभु के साथ बिताती थी। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा, कहते मेरी माँ ने सबको बोला हुआ था, जब मैंने जो लेडीज एप्रन पहनती है ना खाना बनाते टाइम, कहते जब मैंने वो अपने मुंह पे लिया हो, इसका मतलब मम्मी प्रेयर कर रही है किसी ने आके मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ। और वो व्यक्ति, उसने कहा मेरी माँ प्रार्थना करती थी, मेरी माँ प्रभु के साथ चलती थी, और वो व्यक्ति सेवकाई में बड़ा। एक प्रभाव है जो आप अपने परिवार के ऊपर डालती हो। एक बुद्धिमान औरत अपने घर के ऊपर प्रभाव डालती है, एक मूर्ख औरत अपने हाथ से अपने घर को तोड़ती है, अपनी चीजों से, अपनी बातों से। आपके मुंह में शक्ति है, आपके वचनों में ताकत है। आप जब उनको इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर उस वचन के मुताबिक काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं। सो वो व्यक्ति, प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पीछे उसने बताया मेरी माँ की दुआएं थी, ऑब्वियसली मेरी माँ की प्रार्थनाएं थी, और फिर उन्होंने भी प्रभु के साथ चलने का फैसला लिया, जॉन विस्ले थे, और प्रभु के आत्मा ने काम किया, और बहुत बड़े बड़े रिवाइवल्स और बेदारी मीटिंग्स चलाने में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। एक औरत का अपने घर में, अपने परिवार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी भी आप ये मत समझो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि ये सोच आ जाती है, ये सोच तब नहीं आएगी जब सब अच्छा चल रहा है, जब नया सूट मिल गया है, ये सोच नहीं आएगी जब बाहर घूमने गए हैं, ये सोच नहीं आएगी ना जब सबने बड़ाई करी है, ये सोच नहीं आएगी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सोच तब आती है जब बहुत दिनों के सूट नहीं मिला, जब बहुत दिनों के किसी ने बड़ाई नहीं करी, जब किसी ने हमारी नुक्ताचीनी कर दी, किसी ने कह दिया सब्जी में नमक कम था, उसमें तेल कम था, ये रोटी ऐसे क्यों बनी, ये रोटी वैसे क्यों बनी, कपड़ा अच्छा नहीं धुला, ये चीज ऐसे नहीं हुई, तुम्हें ये कहा था तुम वो नहीं कर पाई। कई बार पति कहते हैं, बहनों से मैंने सुना है, आएंगी कहेंगी, पति कहते हैं तुम दिन भर करती क्या हो, तुम क्या करती रहती हो, तुम इतनी बिजी क्यों हो। औरत अपने अंदर उसके सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन जाता है, मैंने क्या किया। वो बेचारी खुद कंफ्यूज हो जाती है सुनकर, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं क्या किया आपने, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, सिर्फ बच्चों को तो देखना आता है, बच्चे भी आगे मम्मी आप क्या करती रहती हो दिन भर, मैंने आपको स्पेशल कुछ खाना बनाने के लिए कहा था, आपने वो भी नहीं बनाया। और बेचारी माँ अंदर सोच रही है बेटा तुम्हें नहीं पता, कपड़े धो तो मेरे हाथ घिस गए, पोंछे लगा लगा मेरे हाथों की लकीरें घिस गई है, बर्तन मांझ मांझ दिखता ही नहीं है हाथ है कि क्या है, और तुम्हें दिखता है दी मैंने कुछ किया ही नहीं। सो कई बार ऐसा होता है, लोग वहीं पे होते हैं,
अब मैं उन लोगों बच्चों की बुराई नहीं करी, मैं पति की बुराई नहीं करी, जस्ट मैं आपको एक लोगों की सोच बता रही हूँ कि लोग ऐसे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके इर्द गिर्द वाले भी बोलेंगे क्या करती रहती तू दिन भर, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रही हो। आमीन। आपको पता है अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही हो, आपको पता है आप प्रभु के काम में कैसे आगे बढ़ रही हो, आपको पता है आप सारी चीजों को कैसे हैंडल कर रही हो प्रभु की आत्मा की सहायता से। तो जब लोग ये चीजें कहे ना, अपने सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आना कि मैं करती क्या रहती हूँ, लेकिन आपने प्रभु का धन्यवाद देना है और कहना हाँ मैं प्रभु आपके आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आमीन। और शैतान को मौका नहीं देना है, शैतान यही मौका ढूंढता है, क्योंकि जब ये चीज आएगी हम सोचेंगे मैं करती क्या हूं और हम डाउन होके बैठ जाएंगे, और जब हम डाउन होंगे वो तब आता है, वो आएगा, बात करेगा, कान में नेगेटिव शब्द डालेगा और फिर मूड ऑफ हो जाएगा। अगर घर की पत्नी का ही मूड ऑफ हो जाए तो कोई काम अच्छा होता है? झूठ मत बोलना, काम अच्छा होता है? वचन कहता है जो भी करो किससे करो, दिल से करो। अब दिल से क्यों करना है? ये जानते हुए कि जो कुछ तुम कर रही हो वो दूसरों के लिए नहीं कर रही हो, वो किसके लिए कर रही हो, तभी खुशी आएगी। आमीन। क्योंकि कई बार मूड उदास हो जाएगा, एक सर्कल में घूमते घूमते सुबह से शाम वही सुई का कांटा घूमता रहता, टक 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 टक, 8 बज गए, 6 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, शाम की चाय, शाम का नाश्ता, रात का खाना, सुबह के कपड़े प्रेस, सुबह के नाश्ते की तैयारी, यही सर्कल रोज रोज चलता है, रोज रोज चलता है। प्रभु मैं सर्कल से बाहर कैसे निकलूंगी? अरे आप उसके बीच में भी रहते हुए आनंद मना सकते। आमेन। आप उन चीजों के बीच में रहते हुए भी खुशी मना सकते हो। ये आपका निर्णय है, ये आपका डिसीजन है। ये आपका पति आपको नहीं बोलेगा, आपके बच्चे आपको नहीं बोलेंगे, आपकी मम्मी जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए नहीं बोलेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपका निर्णय है। मैं आनंदित रहूंगी, मैं शैतान को अपनी शांति चुराने नहीं दूंगी, वो चुराने ही आता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का आनंद। जरा ठहर कर इस आयत के बारे में सोचना, नहमाया की किताब में लिखा है परमेश्वर का आनंद क्या है? नहीं, वो तो है चीयरफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन, लेकिन वहां पे लिखा है परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। आमीन। परमेश्वर का आनंद क्या है? ताकत है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, अगर मैं कुछ चीज को लेकर अपसेट हूँ या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या कुछ चीजों को लेकर मुझे हो रहा है यार क्या है, ये है, वैसा है, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, आप सब भी सोचते होंगे फॉर श्योर। मैं सोच रही हूँ क्या होगा, कैसे होगा, और मैंने देखा जब मैं सोचती जा रही हूँ ना, जितना मैं डाउन सोच रही हूँ उतना मैं डाउन होती जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है वो चीज बड़ी होती जा रही है और मैं छोटी होती जा रही, छोटी 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 छोटी, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्या कर रही हूँ। अपने आप को हमें हिलाना पड़ता है। जागो, अपने साथ वाले को कहीं जागो, फिर कहें जागो, कई बार अपने आप को जगाना पड़ता है, जाग रितु क्या कर रही है। परमेश्वर के दूत ने आके इसे यह स्केल को जगाया, उठ खाना खा, दूसरी बार फिर उठाया, उठ खाना खा, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी थी। कई बार हमें जगाना पड़ता है अपने आप को, क्या कर रहे हैं हम अपने माइंड को। प्रभु आपका वचन कहता है मेरी जिंदगी से मकसद है, लेकिन क्या मैं घर के कामों में जब बिजी हूँ, मैं सारी जिम्मेवारियों में बिजी हूँ, क्या मैं मकसद को पूरा कर रही हूँ? ऑफ कोर्स आप मकसद को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बहनें होती थी, कई प्रचार भी करती थी ना, जाके इवेंजलिज्म का काम किया, उसके साथ साथ कई बिजनेस औरतें भी थी, वो बिजनेस करती थी अपने पैसे से, प्रभु की सेवा में वो योगदान देती थी, कई खाना बनाने का काम, हॉस्पिटैलिटी का काम करती थी, वो भी सेवा थी, कई चर्च चलाने का काम करती थी, ये भी सेवा थी, सफाई का काम करती थी, वो भी सेवा थी। बस हमें अपना नजरिया बदलना है। आमीन। अगर हम डाउन होके किसी काम को करते हैं, हमारा दिल नहीं है उस काम में, हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज में, चाहे वो प्रभु के काम में हो, चाहे वो घर के कामों में हो,
चाहे बच्चों को बढ़ाने में हो, चाहे पति के साथ मेरा अपना स्टैंड लेने में हो, पति की मदद करने में हो, पति के लिए प्रार्थना करने में हो, कुछ भी, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर ये चीज कूट कूट के भर गई है, जो कुछ मैं कर रही हूँ प्रभु आपके लिए कर रही हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ प्रभु मैं आपके लिए कर रही हूँ, आमीन, मैं अपने कामों को कर रही हूँ प्रभु मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और यही टाइम है धन्यवाद देने का, कलीसिया में आके हम सब धन्यवाद दे सकते हैं, आसान है या नहीं है? जब सब धन्यवाद दे रहे हैं हम भी धन्यवाद निकल रहा है, क्योंकि सब यार वो भी बोल रही है, मेरे को भी बोल ही लेना है, वो प्रार्थना कर रही है वरना बोलेंगे ये प्रार्थना नहीं करती लगता है, तो मैं भी प्रार्थना करना शुरू हो जाऊं, हम क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन जब हमें कोई देख नहीं रहा, हम अपने घरों में हैं, पति चला गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, हम सब घर, और जब ये सब चले गए अपने कामों में, फिर हम अपनी नजर घुमाते हैं घर में, हम कहते हैं मैं कहां से शुरू करूं, मैं किचन से शुरू करूं या मैं बेडरूम से शुरू करूं या मैं बाथरूम से शुरू करूं या मैं ड्राइंग रूम से शुरू करूं, मतलब इस घर में तूफान मचा था गया। कल तो मैंने पूरा सेट किया, आज फिर से वही तूफान शुरू हो गया है, और हम घुमा रहे होते हैं नजर। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं आपकी बात नहीं करी, मेरे साथ मैंने कहा ना मैं कहाँ से शुरू करूँ यार काम, ये तो सब चले गए, खिलारा इधर उधर डला है, बच्चों की यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, जब बच्चे छोटे होते करते हैं ऐसा, लेकिन खिलौने यहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े हैं। फिर मैंने कहा ना प्रभु आपका आनंद मेरी बल है, आमेन, जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो बजाय कि मैं देखकर डाउन हो जाऊँ, हाय मेरे से नहीं होता, हाय मेरे से जिम्मेवारियाँ नहीं होती, हाय मुझसे लोगों की बातें सहन नहीं होती, हाय मुझसे लोगों के तस्वीर सहन नहीं होते, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो धैर्य का आत्मा है, आमेन, जो बल और शक्ति का आत्मा है। आप इधर उधर मत देखो, आप प्रभु की ओर देखो, आप अपने अंदर देखो जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। लोग कुछ भी कहते रहे, वो लोगों के ओपिनियंस हैं, लोग जो आपके बारे में कहते हैं, लोग जो समझते हैं वो कहते हैं, आप वो नहीं हो जो लोग कहते हैं, आप वो हो जो प्रभु कहते हैं, आमेन, आमेन। लेकिन मुश्किल ये है, हम लोगों की बातों को ज्यादा पकड़ लेते हैं, किसी ने कह दिया निकम्मी है, अच्छा अंदर चल रहा है निकम्मी हूं मैं, उन्होंने मैंने कह दिया मैं निकम्मी हूं, किसी काम दी नहीं, निकम्मी है, काम चोर है ये, बहानेबाजी करती है ये, हमारे अंदर वही चल रहा है, वही अंदर चल रहा है, और उस चीज को लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें वो नहीं पकड़ना, हमें उसको जाने देना है, सब कहीं जाने दो, अपने पड़ोसी को कहो जाने दो, कहो कुछ चीजों को जाने दो, कहो फिर से कुछ चीजों को जाने दो, क्योंकि अगर आप जाने नहीं ना दोगे वो आपके साथ चिपक जाएंगी, और फिर जहां आप जाओगे वो भी चीजें जाएंगी, क्या क्या चीजें जाएंगी, पोटली जाएगी किसी चीज की, बैठ जाएगा सोच लोगों की, नकारात्मक लोगों की बातें आपके अंदर जाएंगी, आप जहां जा रही हो वहां जा रही। लेकिन जब लोग कुछ कहते हैं, शैतान आपसे कुछ आके नेगेटिव चीजें डालता है आपके अंदर, आपने उसको जाने देना है, कहीं जाने दो, फिर कहीं जाने दो, कहीं कुछ बातों को मैं जाने दूंगी, मैं हर चीज के लिए बोझ नहीं लूंगी, कुछ चीजों को मैं जाने दूंगी, हालेलुया। क्योंकि अगर हम ये नहीं सीखते हैं हम तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोगों के उस घेरे के अंदर ही बने रहेंगे, हम शैतान की चीजों के अंदर बने रहेंगे। लेकिन हमें उठना है, उस राख को जो चढ़ जाती है उसको झाड़ना है, ये लोगों की सोच, मेरी नकारात्मक सोच नहीं चलेगा, हमें उठ के ये कहना होता है, नहीं तो क्या होगा, हम एक ही जगह के चक्कर काटते रहेंगे और फिर हम कहेंगे हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हम कैसे बढ़ते हैं बहनों, कैसे बढ़ते हो आप तब बढ़ते हो जब आपकी सोच बढ़ती है, आप तब बढ़ते हो जब आपकी सोच बढ़ती है, आप उतना बढ़ते हो जितना आप सोचते हो, हालेलुया। सोच पे काबू पाना बहुत जरूरी है, और प्रभु हमारी मदद करते हैं ताकि हम उसमें काबू पा सके, आमीन। सोच, सब कहें सोच, सोच में काबू पाना बहुत जरूरी है,
फिर कहे सोच में काबू पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने भावनाओं के साथ नहीं चलते, कहें मैं अपनी भावनाओं से नहीं चलती, लेकिन मैं वचन के मुताबिक चलती हूँ। फिर कहें मैं अपनी भावनाओं से नहीं चलती, लेकिन मैं वचन के मुताबिक चलती हूँ। आमीन, आमीन।